अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ जगह जो बची हुई है उनको एक्सप्लोर करके आता हूँ। अभी तो खुल गया होगा, धूप आ गई है। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा ठंडी हो जाती है गाड़ी। हाँ तो चलो भैया, धूप तो आ गई, मुझे लग रहा आधा घंटा हो गया धूप आए और हम लेट हैं। खजुराहो की गलियों में घूमते हुए कैसा लग रहा? और विश्व धरोहर है ये खजुराहो का मंदिर, तो देखना तो बनता है भाई, क्या ऐसा चीज़ है। आप लोग भी आइए देखिए खजुराहो के मंदिर में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। ये जैन टेंपल किधर है? हाँ हाँ अच्छा, राइट गांधी चौराहे से राइट। अच्छा ओके थैंक यू। बमीठा अच्छा सीधे, और बस स्टैंड इधर है, अस्पताल, थाना, जैन मंदिर इधर है। तो भाई ये देखो हम आ गए जैन मंदिर, और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। चलते हैं अंदर। जी के जन्मदिन के अवसर पर श्री विनोद चंदी अमेरिकी जन्मदिन साथ साथ
दर्शनाथ बाहुबली भगवान आदित्यनाथ अभिनंदन नाथ भगवान कितने तीर्थंकर हुए तीर्थंकर नेमिनाथ हाँ ये नाम सुना हुआ नेमिनाथ की मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे सेट टूट गया पुराना महावीर भगवान अंदर तीर्थंकर के माता पिता हैं कैसा लगा मंदिर का टूर आपको चलते हैं आगे दूल्हा देव मंदिर भाई चलो यार चलते हैं दूल्हा देव मंदिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकलने में भी टाइम लग जाएगा ज़रूरी है भाई यहाँ आए इतनी दूर तो दूल्हा देव मंदिर जितने भी मंदिर समूह हैं देखना तो बनता है ना भाई दोबारा यहाँ आ पाएगा आदमी नहीं आ पाएगा कुछ पता थोड़ी ना ये देखो यहाँ पे नदी है पूजा चल रही है नदी के किनारे लेकिन काफ़ी समय से अब लग रहा है थोड़ा बहुत काम हो रहा है लग रहा है यहाँ काफ़ी काम हुआ नहीं कभी कुछ हाँ जैसे वहाँ पुरातत्व वाले में काफ़ी काम हुआ वर्क हुआ है लेकिन यहाँ वैसे मेंटेन नहीं किया गया है यहाँ पे मतलब ये सब ने हाँ तो ये भैया विष्णु का मंदिर है और ये भी एक चबूतरे पे ही बनाया गया है खजुराहों के जिसमें मिथुन मूर्तियों का अभाव है दिक्पाल की प्रतिमाएं मध्य भाग में अष्टवसु और अप्सराएं हैं आले में ब्याल विशेष उल्लेखनीय गर्भगृह के प्रवेश द्वार के निचले भाग में त्रिभुंग मुद्रा में गंगा यमुना द्वारपालों को प्रदर्शित किया गया शिव की दक्षिणा मूर्ति स्थापित है ये भैया मंदिर देख लो चतुर्भुज मंदिर काफी बड़ी मूर्ति बनी चलो बाकी बाहरी हिस्सा लगभग एक जैसा ही सब जगह है और अंदर का आप देखो गोप्रो लगाया हूँ ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है भाई गर्भगृह में हाथों को नुकसान पहुंचाया गया कितना वजन होगा और कितनी साफ सफाई से बनाया गया देखिए इन मूर्तियों को देखिए
तो बिल्कुल नमूना स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। और वैसे ही इस साइड में भी ढेर सारी चीजें बनी हैं। देखो सिर तो ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, सिर को, हेड को। इसमें कामना वाली मूर्तियां नहीं है इस वाले हिस्से में। लेकिन जो कलाकारी है वही है, सारी एक ही जैसी। देख रहे भाई, ऊपर देखो, ओह सिर टेढ़ा हो जाता। और ये मंदिर को थंडरिंग से बचाने के लिए ये लोहा लगा हुआ। तो हम अभी चतुर्भुज मंदिर पे कितने ऊपर ऊपर चढ़ करके मूर्तियों के सिर को तोड़ा होगा यार। देखो कितना नुकसान पहुंचाया गया। रहने देते, क्या दिक्कत थी। चलिए चलते हैं उत्खनित मंदिर विजय मंडल। अब इतना लंबा नहीं जाएंगे भाई। दूल्हा देव मंदिर भाई, हम पहुंचे दूल्हा देव मंदिर। तो भैया ये है मंदिर और थोड़ा सा मेंटेन है यहाँ पे, ये उतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं, काम धाम चल रहा। दूल्हा देव टेम्पल 12वीं सदी का माना जाता है इसको भाई। ये आपको मंदिर दिखा देता हूँ, लगभग वही कलाकृतियाँ हैं सारी एक ही जैसी। ऊपर इसमें कामसूत्र भी है। कामसूत्र सभी मंदिरों की खास बात है और जरूर दिखाया गया। लगभग डिजाइन मूर्तियां सब एक ही जैसी दिख रही है मुझे तो, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और ऐसा लगता है कि जिन कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने उसको बनाया होगा, उसी ने इसको भी बना रखा। ये पीछे वाला जो गर्भगृह वाला हिस्सा है ये बहुत ही सुंदर बनाया गया। इट भी हो गई है इसमें। कैसा लगा आपको वीडियो को, धूप आ रही होगी सामने नहीं दिखेगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और हो गया अभी 8:51 बजने वाला, अभी हमारा घूमना खत्म नहीं हुआ। चलते हैं फटाफट। ये तालाब है और इसी तालाब के किनारे एक ये भी मंदिर बना हुआ है, बड़ा पुराना। किसका मंदिर है बाबू ये? ब्रह्मा मंदिर। अच्छा अच्छा 52 जवाहर। अच्छा अच्छा हाँ, बाइकिंग का पूरा एमपी का टूर है। हाँ सोलो सामान वामान सब होटल में निकाल दिया हूँ। ये एक ही टेंपल है क्या मेन यहाँ?
इसके अब तो देख देख के थक गए हैं सब एक ही जैसे बामन टेंपल। यह है बामन टेंपल। तो भाई ये है आर्किटेक्चरल स्टाइल और ईश्वर के विभिन्न विभिन्न रूप आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अगर इस मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको हर स्त्री के हर महिला के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा। एक ये महिला कैसे अपने चेहरे को संवार रही है, हाथ में शीशा लिया हुआ है मिरर। इधर भी वैसे ही दिखाया गया है, उधर भी हाथ में कुछ लिया गया है। इधर हाथ में बच्चा था एक महिला के, इधर ही बच्चा है। कई मूर्तियों को देख के कामोत्तेजना भी जो है बढ़ जाती है। धर्म अर्थ मोक्ष ये सब भैया इस मूर्ति में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वासना भी होगा, मोक्ष भी होगा, पूजा भी होगी, काम भी होगा। तो भैया एक टेंपल ये है, अच्छा विष्णु को समर्पित। अच्छा अच्छा तो चलो भैया, कितना ऊंचा स्टेज पे बना है मंदिर, देख रहे हैं कभी खराब होने का चांस है क्या? और ऐसी कारीगरी की गई है कि आप भाई देखते रह जाओगे, कोई नहीं बना पाएगा इसको। हाँ यहाँ से देख रहा था कई मूर्तियाँ ऐसी। यहाँ से सही आ रहा है। खजुराहो के जंगल तालाब में घूमते हुए, पता नहीं गंदा पानी है कि साफ पानी है या बारिश का। भाई सब बता रहे थे कुआं है इसके अंदर, इसका पानी लोग पीते हैं। बहुत भरा है यार इसमें। बाय बाय खजुराहो।
स्टे ठीक ठाक रहा और अच्छे से देख लिया हमने सारी जगहों को। और यहाँ से हो गया निकलने का समय, अभी 10 नहीं बजे हैं।